हेलो दोस्तों, कल से ही एक अपडेट चल रहा है 2 साल बीएड कोर्स को लेकर। क्या 2 साल वाला जो बीएड कोर्स है वो अब जो यहाँ पर बंद होने वाला है, और 4 साल जो है यानी बीएड जो कोर्स है वो अब क्या 4 साल का होगा। यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो नोटिस जो जारी हुआ है भारतीय पुनर्वास जो परिषद के द्वारा 4 साल बीएड को लेकर जो यहाँ पर एक अपडेट जो यहाँ पर नोटिस ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, तो बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को लगा है, उन विद्यार्थियों को लगा है जो यहाँ पर 2 साल वाले बीएड कोर्स कर रहे थे। तो क्या जो 2 साल वाला जो पीटीटी वाला जो यहाँ पर बीएड कोर्स है क्या वो बंद किया गया है, या फिर कौन सा स्पेशल जो बीएड है वो जो कोर्स है वो 4 साल का किया गया है, वो भी एकेडमिक जो यहाँ पर अगला जो सत्र 2024-25 से ये जो कोर्स है वो लागू होगा। तो क्या अपडेट है इस वीडियो में आप सभी को कन्फर्म करने वाला, क्योंकि बहुत सारे यहां पर डाउट्स है, आपके जो बीएड करने वाले के डाउट्स बढ़ चुके हैं, चिंता में यहां पर है कि भाई क्या करें हम, हमारा जो कोर्स है क्या 4 साल का होगा, क्या हम अब 4 साल में डिग्री हासिल कर लेंगे। तो ऐसे यहां पर जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय, एक सशक्तिकरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो यहाँ पर विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, उसी के द्वारा एक कल सर्कुलर एक जारी किया गया था कि जो बीएड जो यहाँ पर जो न्यू जो यहाँ पर आप सभी को पता है एनईपी, ठीक है, नई जो शिक्षा नीति बनाई गई थी एनईपी 2020, उसमें यहाँ पर एक प्रावधान था कि जो बीएड है वो 2 साल की जगह क्या कितने साल की होगी, यहाँ पर 4 साल की होगी। ठीक है, यानी 2 ईयर बीएड जो कोर्स है अब वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ड्यूरेशन बीएड प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 ईयर टू 4 ईयर्स। ठीक है, यानी 2 साल से 4 साल बढ़ाई जाती है। डिसकंटिन्यू गिविंग अप्रूवल ऑफ 2 ईयर्स बीएड प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। ये 23-24 एकेडमिक सेशन से यहाँ पर लागू रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जो बीएड है वो यहाँ पर स्पेशल बीएड। ठीक है, अब स्पेशल बीएड कौन सी बीएड होती है, जो आपकी जो रेगुलर वाली जो बीएड है वो स्पेशल बीएड में नहीं आती है। ठीक है, जो पीटीटी वाली आप बीएड कर रहे होंगे वो स्पेशल बीएड में नहीं आती है। जो स्पेशल जो यहाँ पर पर्सन होते हैं, यानी जो दिव्यांगजन होते हैं, जो विकलांग होते हैं, या किसी भी दृष्टि से वो यहाँ पर स्पेशल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल पर्सन होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएड होती है। ठीक है, अब उस स्पेशल बीएड की जो डिग्री है उसको 2 साल जो पहले चलती थी कि 2 साल में वो बीएड का कोर्स हो जाता था, उसकी जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर अब 4 साल कर दी गई है। तो ये आपका डाउट होना चाहिए, जो रेगुलर वाली बीएड है उसका कोई टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन वो स्पेशल जो बीएड है उसमें 2023-24 का सेशन में जो भी कर रहे हैं या जिन्होंने बीएड स्पेशल बीएड की डिग्री ले ली है उस पर किसी भी प्रकार का कोई जो यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो नेक्स्ट सेशन एकेडमिक सेशन 2024-25 में जो एडमिशन लेंगे स्पेशल बीएड में, उनको यहां पर जो है यहां पर 4 साल जो यहां पर ये कोर्स करना होगा। यही किसका जो यहां पर एनईपी 2022 का एक यहां पर सर्कुलर जारी हुआ था और उस टाइम भी यहां पर क्लियर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो रेगुलर बीएड है उस पर किसी भी प्रकार का कोई टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया नहीं किया है, उसका 2 साल ही यहाँ पर आपकी बीएड रहने वाली है। जो स्पेशल बीएड कर रहे हैं उनके द्वारा, उन्हीं का जो विभाग है भारतीय पुनर्वास परिषद, उन्हीं के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें स्पेशल बीएड का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 4 साल कर दिया गया। यानी अब जो 4 साल में क्या होगी, बीएड डिग्री हासिल होगी किन के लिए, जो स्पेशल बीएड कर रहे हैं, रेगुलर बीएड की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्पेशल बीएड की बात हो रही है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक